इस वीडियो में मैंने बताया है श्रीलंका का लोकल फूड और श्रीलंकन फूड कैसे और कंट्रीज़ के फूड से काफ़ी अलग और लजीज है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ऑलराइट, तो हमें मिला है अभी टुक टुक और हम जा रहे हैं यहाँ के श्रीलंकन लोकल मार्केट में, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे क्या क्या होता है यहाँ की लाइफ। तो दोस्तों, बहुत ही कम है यहाँ का किराया टुक टुक का, 4-5 किलोमीटर दूर है लोकल मार्केट। और इन्होंने मेरे से लिए हैं, लिए नहीं है, दूंगा मैं इनको केवल 200 रुपये श्रीलंकन। ये देखो, ये है रास्ता भाई। रास्ता तो बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त सड़क, मस्त है एकदम, एक भी ब्रेकर नहीं। और भैया बता रहे थे यहाँ पे जो ये ड्राइव कर रहे हैं कि यहाँ पे रात को पीस है काफ़ी और रॉबरी वॉबरी वैसे होते नहीं है, बट ये बता रहे हैं कि अकेले अकेले नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है। दो जने हो तो बहुत बढ़िया है, कोई नहीं कुछ बोलने वाला, क्योंकि बड़े लोग तो हर जगह होते हैं और बहुत सारे अच्छे भी लोग होते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास श्रीलंकन फूड। ये नाम क्या बताया था इसका? आई डोंट नो इसका इसका नाम है, आई डोंट नो इसका नाम भी मुझे नहीं पता। ये फिश दिख रही है, वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, वाटर बॉटल, वन वाटर बॉटल, कोल्ड, यस। ये है केले की सब्जी है, ये दिस इज़ व्हाट दे सेड पराठा, बट वी कॉल इट रोटी। एंड ये मैंने मंगाया था अपने लिए प्रॉन्स, ये बहुत ज़बरदस्त है खाने में यार, मज़े आ गए खा के, इनक्रेडिबल, वेरी नाइस। मैं अकेले खाने वाला हूँ ये सब। ये है झींगा, बहुत ज़बरदस्त बना रखा है इन्होंने इसको, इसको इसकी पूंछ तोड़ो, पूंछड़ी, और फिर उसके बाद पकड़ के सीधा मुंह में। इट्स क्रंची, वेरी नाइस। मैंने तो 2 कटोरी ले ली, एक तो ख़त्म हो गई है, एक और खा रहा हूँ। क्या ज़बरदस्त बना रखा है, मज़े आ गए श्रीलंकन फूड में। ये चीज़ जब मैं अंडमान निकोबार में था, इससे भी कम 600 रुपये में थी, और यहाँ 200 रुपये में केवल। मज़ा आ रहा खाने में। एक बहुत ही खास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे जो भी खाना बनता है यहाँ पे ना खड़े मसाले डलते हैं, पाउडर वाउडर कुछ नहीं डलता, इसलिए मिलावट का कोई सवाल ही नहीं है। प्रॉन्स में सबसे खास बात ये लगी मुझे, नॉट प्रॉन्स, हर एक चीज़ में इन्होंने क्या किया है, करी लीव्स, हर एक चीज़ में करी लीव्स डाल रखी है, ऐसे इस तरीके से मैरिनेट कर रखा है, ऐसा मिला रखा है कि मतलब एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है। मुझे खाना बनाने का और खाना खाने का बहुत शौक है, तो इसलिए बता पा रहा हूँ मैं ये। मतलब मसाले जो होते हैं ना, मतलब मसाले नहीं है खड़े, मतलब खड़े मसाले हैं, लाइट मसाले, काफ़ी हर्ब्स शर्ब्स डाल रखे हैं इन्होंने, मुंह जलाने वाला, पेट जलाने वाला हिसाब किताब नहीं है इधर। मतलब मज़े लेके खाओ एकदम, नाइस, वेरी नाइस। मज़ा आ गया। और तो ये फिश ग्रेवी है इसमें भी, मतलब इंडियन फिश मैंने बहुत खाई है, तो उसमें क्या होता है मसाले पेल देते हैं, इसमें ना कुछ अलग है, थोड़ा अलग तरीके से बना रखा है, उन चीज़ों का स्वाद आ रहा है, जैसे हम लोग धनिया मिर्ची हल्दी और खड़े मसाले पेल के घुमा देते हैं तो खाने के टाइम पे पता नहीं चलता, केवल गर्म मसाले का स्वाद आता है, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। आप खा रहे हो, आपको पता है क्या क्या डाल रखा है, जैसे यस, हल्का सा नींबू का फ्लेवर आ रहा है, हल्का सा करी लीव्स का तो आ ही रहा है, इनफैक्ट काफ़ी करी लीव डालते हैं ये लोग, काफ़ी यूज़ करते हैं ये।
शादी की प्लेट से निकाल के दिखाता हूँ मैं। ये वेजिटेरियन खा रही है, पूरा प्योर वेजिटेरियन है ये। ये देखो करली साबुत, गुड, वाह मजे आ गए। श्रीलंकन लोकल फूड इज इनक्रेडिबल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, ताकि मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू, टेक केयर।